आजकल माता पिता को बच्चों के भविष्य को लेकर काफी सवाल उनके मन में रहते हैं। बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जाए या फिर डॉक्टरी की तैयारी करे या फिर किसी अन्य फील्ड में जाए। अब आपके इन तमाम सवालों का जवाब अब राजधानी भोपाल में क्विस्ट में एक टेस्ट के जरिए बड़ी ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए फिंगरप्रिंट का अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की क्षमता के बारे में पता लगाया जा सकता है। अभिभावकों और सर हमारी बात भी होती रहती है और पेरेंट्स से, और उनका कहना यह है कि ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट है ये बहुत काम कर रहा है बच्चों को, बच्चों के लिए इससे बच्चों की हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपकी आदतों को चेंज कर रहा है और आपके व्यवहार को चेंज कर रहा है, इसका मतलब है सर कि ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक सफल इंसान बनने के लिए अपने अंदर की प्रतिभा जानना सबसे महत्वपूर्ण है, और एक वैज्ञानिक पद्धति से आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर की प्रतिभा कैसी है और कौन सी प्रतिभा में आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ क्रिस्ट में। आप देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप किया है जिसके माध्यम से कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके अपने अंदर में छुपी हुई प्रतिभा को जान सकता है और अपनी जिंदगी को एक सफल बनाने के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये सॉफ्टवेयर अदा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जिनने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मैम उनसे बात करें। मैम सबसे पहले आपका मुझे नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मैं भी आपका नाम जानना चाहूंगी। ओके अतुल जी, मैं डॉक्टर संस्मृति मिश्रा क्रिस्प के व्यवहार विज्ञान विभाग की HOD हूँ। तो ये फिंगरप्रिंट्स हम स्कैनर की मदद से लेते हैं, उसको सेव करते हैं, और जब ये सॉफ्टवेयर में हम रन करते हैं तो उस इंडिविजुअल की 54 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट होती है जो उसकी प्रतिभाओं के बारे में बताती है। और चूंकि फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होते हैं तो ये वंस इन लाइफ टाइम रिपोर्ट होती है, जिसको हम कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट्स का आइडेंटिफिकेशन, और मोटो इसका है स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। और उसके बाद जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो म्यूचुअल बात करके हम एक काउंसलिंग का डे और टाइम डिसाइड करते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे की काउंसलिंग होती है और उसके बाद फॉलोअप सपोर्ट भी हम देते हैं। तो ओवरऑल हम यही चाहते हैं कि यदि जितना जल्दी इसको किया जाए, बिकॉज हम 6 साल से इसीलिए शुरू करते हैं कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है क्या हम उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हर व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। ये थी जो साफ तौर पर बता रही है मैम कि सीधे तौर पे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के जो सपना सजोया हुआ है वो अभिभावक आ सकते हैं यहाँ पे, और आने के बाद बच्चे के अंदर क्या अंदर प्रतिभा है वो किस तरीके से जो है बाहर निकलती है, तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से मिलती है और साथ में काउंसलिंग बच्चों की जाती है जो एक बेहतर भविष्य की तरफ उसको लेके जाती है। कैप्टन आशु के साथ अतुल प्रकाश, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।